ये रियल उपनिषद बुक है, ठीक है। उपनिषद वेदों का पार्ट है, आपको पता होगा। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है, या फिर रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामशास्त्र, ये सबको अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक कीजिए, या फिर मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से, जो ब्रह्म को सत्य नहीं समझता वो असत्य ही हो जाता है, परंतु जो ब्रह्म के अस्तित्व को जानता है वो साधु पुरुष समझा जाता है। पूर्वोक्त विज्ञान में देह का आत्मा है, विज्ञान में देह का आत्मा है, वही उसका भी देहगत आत्मा है। अज्ञानी पुरुष मरने के बाद परलोकगामी होता है या नहीं, अथवा ज्ञानी पुरुष मरने पर परलोकगामी होता है या नहीं, परमेश्वर ने प्रकट होने की इच्छा की, उसने तप किया और तप से तेजस्वी होकर इस दिस जगत को रचा, यानी परमात्मा ने भी तप किया और उसी में प्रविष्ट हो गया, फिर वो साकार और आकार रहित हुआ। निरक्त, अनिरक्त और आश्रय रूप एवं अनाश्रय रूप हुआ, वही चैतन्य स्वरूप और चैतन्यहीन भी हुआ, वही सत्य स्वरूप हुआ। बुद्धिमानों का कहना है कि जो कुछ देखा सुना या अनुभव में आया वही सत्य है, मिथ्या भी वही हुआ, क्योंकि दिखाई ना देने के कारण उसके संबंध में शंका उत्पन्न होती है। प्राकट्य से पूर्व ये विश्व दिखाई नहीं देता था, उससे ही रस प्रत्यक्ष विश्व की उत्पत्ति हुई, स्वयं प्रकट होने के कारण उसे सुकृत कहते हैं। भगवद गीता में भी कृष्णा ने यही कहा है, आप मेरे भगवद गीता के भी वीडियोस, महाभारत के वीडियोस में देख सकते हैं। सुकृत ही रस है, प्राणी इसे पाकर आनंदित होता है, परमात्मा आकाश के समान व्यापक है, यदि वो ना होता तो कौन जीवित रहता, प्राणों की चेष्टा कौन करता, परमेश्वर ही सबके लिए सुखदाता है। जब यह प्राणी अदृश्य निराकार अनिरक्त निराश्रय परमेश्वर में स्थित हो जाता है, तब उसे अभय पद की प्राप्ति की जाती है। जब तक जीव परमात्मा से किंचित भी खेद रखता है, तब तक वो भय से नहीं छूट पाता, वही भय अहंकारी विद्वान को भी हो जाता है। भय से ही वायु गतिमान है, भय से ही सूर्योदय होता है, भय से ही अग्नि, इंद्र और यमराज अपने अपने कर्मों को करते हैं। अब आनंद विषय विवेचन किया जाता है, सदाचारी, युवकशिष्ट, वेदाध्ययन युक्त, स्वस्थ बलिष्ठ हो, इस पर भी उसे वैभवयुक्त पृथ्वी मिल जाए तो ये संसार में एक आनंद ही है। मनुष्य के सौ आनंद मनुष्य गंधर्व के एक आनंद के तुल्य है, वे आनंद शुद्ध अंतकरण वाले क्षत्रिय मनुष्य के लिए स्वभाव से ही प्राप्य है। मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद देव गंधर्वों के एक आनंद के बराबर है, और जिसकी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं वो क्षत्रिय मनुष्य को वे स्वभाव से ही प्राप्य है। कामनाएं मतलब इच्छा है, डिजायर्स। जो पितर स्थायी रूप से पितृलोक पा चुके हैं, उनके 100 आनंद अजानज संज्ञक देवताओं का एक आनंद है, और वे कामनायुक्त वेद वेत्या को स्वभावतः प्राप्त है। अजानज संज्ञक देवों के 100 आनंद कर्म संज्ञक देवताओं के एक आनंद के तुल्य है। जो व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा देवों को प्राप्त हुए हैं तथा जो कामनायुक्त वेद विद्या है, उन्हें वे आनंद सहज में ही प्राप्त है। जो कर्म देवों के 100 आनंद है, वो देवताओं के एक आनंद के समान है, और नष्ट काम्य वेदज्ञ के लिए वे आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। देवताओं के 100 आनंद के समान इंद्र का एक आनंद है, और कामना युक्त वेद विद्या के लिए वो स्वभाव से ही संभाव्य है। इंद्र के 100 आनंद के समान बृहस्पति का एक आनंद है, जो वेद विद्या कामनाओं से मुक्त हो चुका है, वो इस आनंद को स्वभाव से ही प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति के 100 आनंद के समान प्रजापति का एक आनंद है, वेद के जानने वाला मुक्त काम्य पुरुष उस आनंद को स्वभाव से ही पा लेता है। प्रजापति के 100 आनंद के समान ब्रह्मा का एक आनंद है, वेद के जानने वाले कामनाओं से मुक्त पुरुष उस आनंद को स्वभाव से ही प्राप्त कर लेता है। मनुष्य में और सूर्य में जो निहित है वो एक ही है। इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी इस लोक को त्याग कर
अन्यमय आत्मा को प्राप्त हो जा होता है। जो कृष्ण गीता में कहते हैं लोग मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझे बचने वाले, तो वो आत्मा के बारे में कह रहे हैं। आप मेरे उस वीडियो को देख कर भी पता लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी लिखा है आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं, तो थोड़ा मैचिंग है। तो ये समझना है वो इस प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आत्मा भी प्राप्त होता है। मनयुक्त वाणी जहाँ से उसे प्राप्त ना कर लौटती है, उस ब्रह्मानंद का ज्ञानी किसी से भी नहीं डरता। ज्ञानी जन इस बात का विचार नहीं करते कि मैंने श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं किया, मैं पाप क्यों करता रहा। जो व्यक्ति पाप पुण्य को जानता है वो पाप से अपनी रक्षा करता है। इस प्रकार का ज्ञाता स्वयं अपनी रक्षा कर लेता है। भृगुवल्ली प्रथम अनुभाग। भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास गए और बोले, भगवान मुझे ब्रह्म ज्ञान बताइए। वरुण बोले, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाणी सब उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए द्वार रूप है। ये प्राणी जिस ब्रह्म से प्रकट होता है, जिसके सहारे जीवित रहता है और अंत में इस लोक से चले जाते हैं और जिसमें प्रविष्ट होते हैं, वही ब्रह्म है। ये सुनकर भृगु तपस्या करने लगे। अन्न ब्रह्म है, ये तपस्या के बाद ज्ञान हुआ। यथार्थ में ये सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवित रहते हैं और मरने पर अन्न में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर वो फिर अपने पिता के निकट गया और अपने अनुभव की बात कही। जब वे उससे सहमत ना हुए तो भृगु ने उनसे कहा कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तब वरुण बोले, तप के द्वारा ब्रह्म को जान, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। ये सुनकर भृगु ने फिर तपस्या की। प्राण ब्रह्म है ऐसा समझ, क्योंकि ये संपूर्ण प्राणी प्राण से ही उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और इस लोक से जाने पर प्राण में ही मिल जाते हैं। ये सोचकर वो फिर अपने पिता के पास गया और विचार न मिलने पर बोला, मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तब वरुण बोले कि ब्रह्म को तपस्या से जान, क्योंकि तपस्या ही ब्रह्म है। ये सुनकर उसने फिर तपस्या की। मन ब्रह्म है, क्योंकि मन से ही संपूर्ण प्राणी जन्म लेते हैं और जीवित रहते हैं, फिर यह लोक को त्याग कर मन में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार मन को ब्रह्म समझकर वो पुनः वरुण के पास गया, परंतु अपने पक्ष का समर्थन ना पाकर बोला, भगवान ब्रह्म का उपदेश कर कीजिए। वरुण बोले, तप ही ब्रह्म है, ब्रह्म को तप से ही जान। ये सुनकर वो फिर तप करने चला गया। विज्ञान ब्रह्म है, क्योंकि यथार्थ में विज्ञान से ही ये सब प्राणी जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं, मरते और यहाँ से जाकर विज्ञान में ही लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान तो आपको पता ही है, विज्ञान प्रकृति में है, साइंस। इस प्रकार विज्ञान को ब्रह्म मानकर वो पुनः वरुण के पास गया और अपनी बात का समर्थन पाकर बोला, भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो दोस्तों, आजकल विज्ञान का मतलब लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन उस समय के लोग टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ विज्ञान को जानते थे, मतलब जो सच्चाई है, सच्ची विज्ञान है। वरुण ने कहा, ब्रह्म को तपस्या से जान, क्योंकि तपस्या ही ब्रह्म है। ये सुनकर वो फिर से तपस्या करने चला गया। आनंद ही ब्रह्म है, क्योंकि आनंद से ही सबका जन्म होता है, आनंद से ही सब जीवित रहते हैं, आनंद से ही मरते और मर कर आनंद में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा निश्चय होने पर भृगु ब्रह्मज्ञानी हो गया। भृगु द्वारा अनुभव की हुई तथा वरुण द्वारा उपदेशित विद्या परम ब्रह्म रूप ब्रह्म में स्थित है। जो ऐसा जानता है वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तथा बहुत अन्नवान अन्न पाचन शक्ति से युक्त संतान पशु ब्रह्म वर्चस्व और कीर्ति से संपन्न होता हुआ महान बनता है। अगर आप तप करेंगे, योगा जो होता है वो तप का पहला स्टेप होता है, तो योगा करते हैं तो फिजिकल एनर्जी और शक्ति भी बढ़ती है, ये भी ब्रह्म का ही आशीर्वाद है। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्न ही व्रत है, वही प्राण है, शरीर उस अन्न का भोगने वाला है। शरीर प्राण के आश्रित है और प्राण शरीर के आश्रित है। इस प्रकार अन्न में
अन्न स्थित है। जो ज्ञानी ऐसा जानता है वो अन्न में प्रतिष्ठित होता है। अन्नवान व्यक्ति अन्न से संपन्न संतान पशु ब्रह्म वर्चस्व कीर्ति से युक्त होकर महान बनता है। अन्न का कभी परित्याग ना करें। जल ही अन्न है, तेज अन्न को भोगने वाला है। जल में तेज निहित है और तेज में जल निहित है। इसी प्रकार अन्न में निहित है। जो इसे जानता है वो इस विज्ञान में निपुण हो जाता है। अन्नवान अन्न सेवन करने में समर्थ होता है। और संततिवान पशुवान ब्रह्म तेजस्वी तथा कीर्ति युक्त होकर महान बन जाता है। अन्न की वृद्धि करें, ये एक व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है, आकाश अन्नाद है। पृथ्वी में आकाश निहित है और आकाश में पृथ्वी निहित है। अन्न में अन्न निहित है। जो ज्ञानी पुरुष इसे जानता है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अन्नवान अन्न भक्षक होता है और संतान पशु तेज और कीर्ति वाला होकर महान बन जाता है। घर पर आए हुए को निराश ना करें, ये एक व्रत है। जैसे भी हो बहुत सा अन्न प्राप्त करें, अतिथि सेवा में तत्पर रहें और उसे अधिक आदर सहित भोजन कराए तो उसे अधिक आदर सहित ही अन्न मिलता है। यदि मध्यम श्रेणी का आदर से भोजन कराए तो मध्यम श्रेणी का और निम्न श्रेणी के आदर से भोजन कराए तो निम्न श्रेणी का अन्न मिलता है। जो इसका ज्ञाता है वो अतिथि का सत्कार करने वाला है। परमेश्वर वाणी में क्षेम रूप से है, प्राणपान में योग क्षेम रूप वाला है, हाथों में कर्म सामर्थ्य वाला है, पावों में गति करने की शक्ति से युक्त है, गुदा में मल त्याग की सामर्थ्य वाला है। ये आध्यात्मिक उपासनाओं का वर्णन हुआ है। दृष्टि में तृप्ति, विद्युत में शक्ति, पशुओं में यश, नक्षत्रों में ज्योति, उपस्था में प्रजनन शक्ति, वीर्य और सुखानुभूति और आकाश में सबका आश्रय रूप है। मतलब शारीरिक शक्ति बनाने की, संभोग की शक्ति, प्रजनन शक्ति, वीर्य और मल त्याग की शक्ति सब ब्रह्म ही है। ये परमात्मा ही दैवी उपासनाओं का वर्णन है। परमेश्वर सबका आश्रय रूप है, ये मानकर उपासना करने वाला आश्रय युक्त हो जाता है। ये सबसे महान है ऐसा मानकर उपासना करे तो उपासक महान बन जाता है। वो नमन योग्य है ऐसा मानने वाला उपासक नमस्कार योग्य होता है। वो मन है ये मानने वाला मनुष्य होता है। वो ब्रह्म है ऐसा मानने वाला उपासक ब्रह्ममय हो जाता है। वो दुष्टों को मारने वाला है ऐसा मानने वाले उपासक के शत्रु आदि नष्ट हो जाते हैं और अप्रिय चाहने वाले बंधुजन भी नष्ट होते हैं। जो इस पुरुष में है वही सूर्य में है। वो एक ही है। जो ऐसा जानता है वो इहलोक को त्याग कर अन्न में आत्मा को पाता है। और जब अन्न में आत्मा को पा लेता है तब प्राणमय आत्मा को पाता हुआ मनोमय आत्मा को पाकर विज्ञानमय आत्मा को पाता है। फिर आनंदमय आत्मा को प्राप्त होकर इच्छित भोगों और अविष्ट रूप को प्राप्त होता है। फिर सब लोगों में विचरण करता हुआ शामगान में तल्लीन रहता है। आश्चर्य है कि मैं अन्न हूँ और मैं ही अन्न का उपभोग करने वाला हूँ। मैं ही इनका संयोजक हूँ। मैं सत्य रूप विश्व में देवताओं से भी पूर्व उत्पन्न होने वाला ब्रह्म में प्रतिष्ठित अमृत का नाभि रूप हूँ। जो कोई मुझे दान करता है वो मेरी रक्षा करता है। यहाँ पे मैं मतलब आत्मा, कृष्ण भी मैं कह रहे हैं और यहाँ भी मैं ही है। उनका मैं, इनका मैं और हमारा मैं दोनों एक ही है। इसको समझना ही बहुत ही डीप ज्ञान है। आप मेरे भगवद गीता और अष्टावक्र के वीडियो, अष्टावक्र गीता के भी वीडियोस देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण में, उससे आप अच्छे से जान सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। मैं अन्य रूप होकर अन्य भक्षण का भक्षण कर लेता हूँ। मैं अखिल विश्व का तिरस्कार करता हूँ। मेरा तेज सूर्य के समान है। इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी भी वैसा ही समत्व वाला होता है। तैतरीय उपनिषद समाप्त हुआ। अब यहाँ से छांदोग्य उपनिषद शुरू हो रहा है। मेरे अंग तृप्त हो, बुद्धि को प्राप्त हो, वाणी ग्रहण चक्षु श्रोत्र बल और सब इंद्रिय बुद्धि को प्राप्त हो। सब उपनिषद ब्रह्म रूप हैं। मैं उनमें प्रतिपादित ब्रह्म का त्याग ना करूं और ब्रह्म मेरा त्याग ना करे। इस प्रकार
ब्रह्मरथ रहते हुए मुझे उपनिषदों में प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो। ओम शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद पहला चैप्टर। ओम रूप जो अक्षर में उद्गाता द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है, वही परमात्मा का नाम और प्रतीक है। उसी ओंकार की यहाँ व्याख्या की जाती है। समस्त स्थावर और जंगम प्राणियों और पदार्थों का रस सारांश पृथ्वी है। पृथ्वी का रस अथवा कारण जल है। जल का रस औषधिया अन्न है। औषधियों का रस यह मनुष्य देह है। मनुष्य का रस वाणी है। वाणी का सार ऋचा है। ऋचा का सार साम है। साम का सार ओंकार है, उद्गीत है। ये ओंकार जो पृथ्वी आदि रसों की गणना में आठवां है, वह सब रसों का स्वरूप परमात्मा का प्रतीक होने के कारण परमात्मा के समान ही उपासना करने योग्य है, और इसको वैसी वही भावना से ग्रहण करना चाहिए। अब यह विचार करना चाहिए कि कौन कौन ऋचा है, कौन कौन साम है और कौन उद्गीत है। तो मालूम होता है कि वाणी ही ऋचा है, प्राणी साम है और ओंकार ही उद्गीत है। ऋचा रूप जो वाणी और साम रूप जो प्राण है, उन दोनों का जोड़ा प्रसिद्ध है। जिस प्रकार एक मिथुन नर और मादा का जोड़ा मिलने पर या संभोग पर पारस्परिक कामना की पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार ये वाणी और प्राण अथवा ऋचा और साम का जोड़ा जब ओंकार में मिलता है, तो वो भी पूर्ण काम हो जाता है। जो इस प्रकार प्राप्त होने के रहस्य को जानता है और जानकर इस ओंकार रूप अक्षर की उपासना करता है, वो निश्चय ही कामनाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। वो प्रसिद्ध ओंकार अनुमति रूप भी है, क्योंकि जब कोई किसी को अनुमति देता है तो उसे प्रकट करने को ओम ही कहता है। पर ओंकार समृद्धि रूप भी है, क्योंकि अनुमति ही समृद्धि का मूल मानी गई है। जो इस रहस्य को समझकर ओम की उपासना करता है, वह निश्चय ही कामनाओं की समृद्धि कराने वाला होता है। इस ओम से तीनों वेदों में बतलाई यज्ञादि विधि प्रचलित होते हैं। अथर्व इसी का ओम मंत्र सुनता है, होता इसी की प्रशंसा करता है और उद्गाता इसी का गान करता है। ये सब कर्म इस अक्षर की पूजा के निमित्त ही किए जाते हैं। जो इसको जानता है अथवा जो इसे भली प्रकार नहीं समझता है, वो दोनों इसी के लिए कर्म करते हैं। विद्या और अविद्या, ज्ञान विज्ञान और कर्म अलग अलग है। जो कर्म विज्ञान युक्त, आस्तिक बुद्धि युक्त, उपासना युक्त हो किया जाता है, वही अधिक शक्तिशाली होता है। ऐसा इस प्रसिद्ध अक्षर की व्याख्या महिमा है। प्रसिद्ध देव और असुर दोनों प्रजापति की संतानें हैं। जब उन दोनों में संग्राम होने लगा, तो देवों ने विचार किया कि हम उद्गीत की उपासना के बल से असुरों को पराभूत कर सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने नासिका में रहने वाले ग्रहण रूप उद्गीत की उपासना की, पर उस ग्रहण को असुरों ने पाप से भ्रष्ट कर दिया। उस पाप से युक्त होने के कारण ही वो सुगंध और दुर्गंध, भली और बुरी को ग्रहण करती है। तब उद्गाता ने वाणी रूप ओंकार की उपासना की, पर असुरों ने उसे भी पाप युक्त कर दिया, जिससे वो सत्य और मिथ्या दोनों प्रकार का भाषण करती है। फिर देव नेत्र रूप ओंकार की उपासना करने लगे और असुरों ने पाप द्वारा उसे भ्रष्ट कर दिया, जिससे वो देखने योग्य और ना देखने योग्य सबको देखता रहा। फिर देवगण श्रोत्र रूप ओंकार की उपासना करने लगे, तब असुरों ने उसमें भी पाप का संयोग कर दिया, जिससे वो सुनने योग्य और ना सुनने योग्य सभी बातों को सुनता है। पांचों इंद्रियों की तरफ से निराश होकर देवगणों ने मन को ओंकार समझकर उसकी उपासना की, पर जब असुरों ने उसे भी पाप से प्रभावित कर दिया, तो वो विचारने योग्य और ना विचारने योग्य सभी बातों पर विचार करने लगा। तब देवताओं ने शरीर में रहने वाले मुख्य प्राण को ओंकार मानकर उपासना की। प्रसिद्ध असुरों ने पहले के समान उसे भी पाप युक्त कर देना चाहा, पर उसके निकट जाकर वे ऐसे ध्वस्त हो गए जैसे कठोर पत्थर पर लगने से मिट्टी का ढेला उत्तीर्ण हो जाता है। इस प्रकार असुरगण प्राण का प्रभाव नहीं कर सके, इसीलिए उसकी उपासना ही कर्तव्य रूप है। जो पापी व्यक्ति इस प्रकार उद्गीत ओंकार के रहस्य को
समझने वाले का अहित साधन करना चाहता है वो उसके प्रभाव से स्वयं ही मिट्टी के ढेले की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है। इस रहस्य को जानने वाले को अभेद पाषाणों के समान ही समझना चाहिए। इस प्राण के द्वारा मनुष्य सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं करता क्योंकि वो पाप रहित शुद्ध होता है। मनुष्य इसके द्वारा जो कुछ खाता पीता है उसके उससे वो ग्रहण आदि समस्त इंद्रियों का पालन रक्षण करता है। जब अंतकाल में प्राण द्वारा अन्न ग्रहण बंद हो जाता है तो समस्त इंद्रियों की शक्ति भी शरीर से बाहर निकल जाती है और मुख फटा रह जाता है। यानी जब अंतकाल में यानी प्राण त्यागने के समय में प्राण द्वारा अन्न ग्रहण बंद हो जाता है तो समस्त इंद्रियों की शक्ति भी शरीर से बाहर निकल जाती है और मुख फटा रह जाता है। आप देखिएगा कि मरने के समय ऐसा ही होता है। पहले अंगिरा ऋषि ने इस प्राण रूप ओंकार को प्राण रूप बनकर उपासना की थी। इससे लोग प्राण को अंगिरस कहने लगे, अर्थात प्राण ही समस्त अंगों का रस अथवा आधार है। इस प्रकार बृहस्पति ने भी प्राण की ओंकार रूप से उपासना की और तब प्राण बृहस्पति भी कहा जाने लगा, क्योंकि वाणी द्वारा एक नाम बृहति भी है और उसका पति होने से प्राण को बृहस्पति कहना सही है, यथार्थ है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।